ये देखिए हमारा स्नैक्स एकदम मस्त बनी है, एकदम कुरकुरा जैसा। ये देखिए एकदम कुरकुरा मस्त बनी है। ये देखिए इस तरह घर में जरूर बना के खाना, एकदम मस्त टेस्ट भी मस्त आएगा। ये देखिए भाभी ने आज मस्त बनाया। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 6:30, बस अभी निकलते हैं हम बालेश्वर, क्योंकि ज्योति को कल से बहुत ज्यादा बुखार है, वो रो रहा है सुबह से। बस मैं थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ। चलिए अब जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, और भाभी भी रेडी हो चुकी है, बस चलते हैं अभी। ब्रेकफास्ट के लिए हमने भाभी ने लिया है समोसा और बोरा, दोनों लिया है बोरा, और मैं पूरी लिया हूँ। बस जल्दी खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। फिलहाल हॉस्पिटल से आके अभी अभी घर पहुँचे हैं। बस अभी टाइम हो रहा है 11:30 के ऊपर। बस थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं। फिलहाल फ्रेश हो चुके हैं, बस हो रही है अभी 11:30 के ऊपर हो चुकी है। बस करते हैं अभी लंच। लंच में बनी है दाल चावल और साग बनी है, चलिए खाते हैं। बस सारे लोग मिलके खाएंगे। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:30। बस आज भाभी एक चटपट नाश्ता बनाएगा, तो ये भी आटे से बनने वाला नाश्ता है, देखते हैं एकदम पराठा जैसा। चलिए भाभी क्या बनाता है। इसके लिए थोड़ा इंग्रेडिएंट्स जो देखिए, गाजर और ये रा कैबेज, ये कड़ी पत्ता और ये प्याज सारा काट कूट के रखा है। बस ये फटाफट बनाएगा, क्योंकि सारा सामान बना के रखा है पहले से, और साथ में भी वो आटा भी गूंद चुका है। बस अभी फटाफट बनाते हैं, और शाम का नाश्ता वो एकदम आटे से बनेगा, दिखाते हैं आप लोगों को। एकदम स्टार्ट करते हैं आज का फटाफट बनने वाला नाश्ता। ये देखिए वो जो मसाला के लिए, ये जो सारा सामान बना के रखा है, ये जो है प्याज, ये है कैबेज और ये गाजर कड़ी पत्ता, वो सारा सामान को पहले बना लेते हैं मसाला, फिर बनाएंगे आटा। वो कढ़ाई में तेल डल चुकी है। आप लोग बिना प्याज की भी बना सकते हो, और आप लोग अगर प्याज नहीं खाते हो तो बना सकते हो। हल्दी पाउडर और नमक, स्वाद अनुसार नमक आप यूज कर सकते हो। जो कड़ी पत्ता है वो लास्ट में डालना, तो फ्लेवर आता है, मस्त स्मेल भी मस्त होता है, खाने में भी मस्त टेस्ट लगता है। बस उसे कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, ढक देते हैं। इसमें थोड़ा जीरा पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला है तो थोड़ा डाल दीजिए। बस हमारा मसाला बन के रेडी हो चुकी है। बस इसमें अभी डालते हैं सत्तू। ये देखिए हमारा सत्तू डाल चुकी है। बस इसमें थोड़ा पानी देते हैं, पानी देके एक माखा माखा बनाते हैं। ये जो मसाला बना है इसे थोड़ा प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी आटा बेलना शुरू कर दिया है। रोटी बन चुकी है, बस इसमें डालते हैं वो वाला मसाला जो बना के हमने रखा है। इसलिए वो पानी लगा रही है, आप तेल यूज कर सकते हो।
बस चलिए फटाफट बना लेते हैं। ये देखिए हमारा स्नैक्स बन के रेडी हो चुकी है, बस अभी तावा में डालेंगे। बस अभी तावा में डाल के बनाएंगे स्नैक्स। ये भाभी ने बेल के एकदम रेडी रोटी जैसा बेल के ये मसाला डाल के पूरा एकदम रेडी कर चुका है, बस अभी उसे बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आई है और बहुत क्रिस्पी भी बनी है। आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये एकदम चटपटा नाश्ता है, सबको पसंद आएगा और आप लोग घर में बना के आराम से खा सकते हो। ये 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है। ये देखिए हमारा स्नैक्स एकदम मस्त बनी है, एकदम कुरकुरा जैसा। ये देखिए एकदम कुरकुरा मस्त बनी है। ये देखिए इस तरह घर में जरूर बना के खाना, एकदम मस्त टेस्ट भी मस्त आएगा। इसके साथ में टमाटर का चटनी। चलिए भाभी ने आज मस्त स्नैक्स बनाई और इवनिंग में खाने के लिए। बस अभी टाइम हो रहा है 8 के आसपास, चलिए सब लोग मिल के खाते हैं और टमाटर सॉस के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए स्नैक्स एकदम मस्त बनी है, साथ में टमाटर का सॉस और मिर्ची का चटनी। देखिए सारे परिवार मिलके खा रहे हैं। ये आज भाभी ने एक मस्त स्नैक्स बनाई और इवनिंग में खाने के लिए, शाम का टाइम खाने के लिए। फिलहाल शाम का टिफिन तो हो चुकी है लेकिन मेरा डिनर हो चुका है क्योंकि अभी 8 के ऊपर हो चुका है और कुछ नहीं खाएंगे। चलिए ड्रिंक स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।